हेलो दोस्तों, अगर आप एक Realme C35 फोन यूजर हो एंड दोस्तों Realme C35 फोन को यूज करते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Realme C35 फोन के अंदर Android 13 बेस EY 4.0 का जो नया अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेंगे। दोस्तों जब आपके फोन के अंदर Android 12 आया था तो Android 12 का जब अपडेट आया था तो आप लोग को वहाँ पे कुछ भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला था। बट दोस्तों बात करें Android 13 की, तो दोस्तों जब आपके फोन के अंदर Android 13 का अपडेट आएगा तो आप लोग को बहुत कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। आपके फोन का नया नया लुक चेंजिंग हो जाएगा एंड दोस्तों आप लोग को नया नया फीचर देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा और आपके फोन के अंदर एंड्रॉइड 13 EY 4.0 के साथ नया अपडेट कब तक देखने को मिलेंगे, इसका रियल डेट क्या है, सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहिए अगर आप एक Realme C35 फोन को यूज करते हो। तो चलिए आज की वीडियो में सब कुछ जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब दोस्तों आप लोग Android 13 का अपडेट कीजिएगा तो दोस्तों आप लोग को अपडेट करने के बाद कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग Android 13 का अपडेट कीजिएगा तो आप लोगों को सबसे पहला चेंजिंग देखने को मिलेगा, सबसे पहला नया फीचर देखने को मिलेगा वो क्या है दोस्तों, वो है आपका नोटिफिकेशन पैनल। जी हाँ दोस्तों, जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये दोस्तों काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ये जो नोटिफिकेशन पैनल है बहुत ही मज़ा आता है। एंड दोस्तों आपको ये जो नोटिफिकेशन पैनल है वो एंड्रॉइड 13 के बाद देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अब बताते हैं जो आपका सेकेंड चेंजिंग है वो दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। एंड सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपका क्या होगा कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है एंड दोस्तों ऐप लॉक का, वो दोस्तों आपके फोन के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपके फोन के अंदर जब आप एंड्रॉइड 13 का अपडेट कीजिएगा तो आपको दो चेंजिंग देखने को मिलेगा, एक तो नोटिफिकेशन पैनल एंड दोस्तों दूसरा आपको यहां पे सिक्योरिटी एंड आपका ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों आपको जो तीसरा चेंजिंग देखने को मिलेगा वो तीसरा चेंजिंग में दोस्तों आपको क्या है कि एक थीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, थीम स्टोरेज का जो ऑप्शन है उसको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 13 के बाद। तो दोस्तों आपको यही कुछ तीन चेंजिंग देखने को मिलेगा, जो कि तीनों चेंजिंग काफ़ी गजब का होने वाला है एंड्रॉइड 13 के बाद Realme C35 फोन के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके फोन के अंदर कब तक अपडेट देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 13 का। दोस्तों अभी आपके फोन में क्या चल रहा है, एंड्रॉइड 12 चल रहा है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो कि Realme C35, ठीक है। एंड दोस्तों बात करें एंड्रॉइड 13 का EY 4.0 के साथ, तो वो अपडेट दोस्तों अभी क्या है कि कमिंग सून में है। जी दोस्तों सून में है, अभी तक दोस्तों इसका कोई रीजन नहीं है कि मतलब आपके फोन के अंदर कब तक अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके फोन के अंदर बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट आने वाला है। दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है, बहुत ही जल्द आपके फोन के अंदर अपडेट आने वाले हैं एंड्रॉइड 13 EY 4.0 के साथ। ये दोस्तों आपके फोन के अंदर बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग इतना ध्यान रखना कि आपके फोन के अंदर ये तीन चेंजिंग हमेशा देखने को मिलेगा जब आप लोग एंड्रॉइड 13 EY 4.0 का नया अपडेट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को देना बहुत ही जरूरी था। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोग को रियलमी से हर जुड़ी खबर आपको हरदम मिलता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।